सवाल रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था भिन्न बच्चों को कैसे सिखाएं। तो बिल्कुल एकदम आसानी से सिखाना है बच्चों को, उनको टुकड़ा भी करने दीजिए, बच्चे आसानी से टुकड़ा भी कर लेते हैं उनको। कुछ इस तरह का TLM अगर आप बना सकते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कीजिए। इसमें बच्चों को आसानी से आप विभिन्न भाग करके दिखा सकते हैं, और सब भाग जैसे ये देखिए ये आधा है, ये देखिए दो टुकड़ा हो गया, दोनों बराबर दिख रहा है, नजर आ रहा है, बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा अगर आप चार टुकड़ा भी करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो ये सब गतिविधि बच्चों को करने देंगे तो बच्चे उसको आसानी से सीखेंगे भी। जैसे ये पूरा टुकड़ा किया गया है, ये केवल एक टुकड़ा पूछा जाए कि बच्चों से कि ये क्या है, तो बच्चे इसको ही बता देंगे कि एक बटे क्या है, चार है, क्योंकि एक वृत्त का एक रोटी का चार टुकड़ा किया गया तो उसमें से इतना हिस्सा अगर ले रहे हैं तो वो 1/4 हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार सर, अगला कोई बिंदु अगर नया नहीं ले रहे हो तो एक बार इसको 2-3 मिनट में आप रिकैप कर देंगे, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं सर। अच्छा जी जी सर, तो चलिए एक बार रिकैप इसको कर देते हैं और एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को भिन्न सिखाने से पहले सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, रोटी का। बच्चे रोटी खाते हैं और रोटी का टुकड़ा करना भी वो आसानी से आता है। एक रोटी है, अब एक रोटी को दो बराबर भाग में, ये क्या है, एक रोटी है, तो इसको हम क्या लिख दिए, एक लिख दिए। इसी तरह इसका अगर दो भागों में बांटना है तो इसको दो भाग में बांट देंगे और एक भाग लेंगे तो इसको क्या कितना हिस्सा कहता है, बच्चे इसे जानते हैं कि ये आधा आधा भाग में बट गया, ठीक है। लेकिन गणित में उसे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करना होता है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करें, जैसे इसको किससे प्रदर्शित किए, एक है तो इसको एक लिख दिए, लेकिन इसको कैसे लिखें। तो इसको लिखने के लिए टुकड़ों की संख्या क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, जैसे दो भाग बराबर भाग में बांटा गया था, दो नीचे लिखे उसमें से एक हिस्सा लिए, तो इसको हम लिखते हैं 1/2। आप इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप मूल्यांकन लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो किसी बच्चे को आप देंगे 10 में से 5 नंबर, किसी बच्चे को आप देंगे 10 में से 3 नंबर। तो इस तरह का जब बांटते हैं तो वो उसमें उतना में से, जैसे 2 में से कितना हुआ, 1 हुआ, 10 में 5 नंबर लाया, मतलब 10 में से 5, तो उसको अंश बटे हर में ही लिखते हैं, आप उसको भिन्न के रूप में ही लिखते हैं। आपके पास 4 पेन है, आपने एक एक पेन करके 3 बच्चों को बांटा और एक पेन बच गया, तो कितना हिस्सा मिला उस पेन का, 4 पेन का कितना हिस्सा मिला, 3 को बांटा तो 3/4, क्योंकि 4 पेन था उसमें से 3 बांट दिए तो क्या हो गया, 3/4। तो किसी चीज को भी बांटते हैं, जब बराबर बांटते हैं तो टुकड़ों की संख्या, जितना संख्या आपके पास है तो उसको नीचे लिखते हैं, उसमें से जितना आप लिए हैं उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। इसके बाद भिन्न का प्रकार आप लोगों को बताया गया, कौन सम भिन्न होता है, कौन विषम भिन्न होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया। तो सम भिन्न क्या होता है, जिसमें हम टुकड़ों को आसान, जैसे ये दो टुकड़ा किया गया, ठीक है, उसमें से क्या किए, एक लेना था तो हम ले लिए थे, ठीक है। ये चार टुकड़ा किए, इसमें से अगर हमें चार भी लेना है तो हम इसको क्या करेंगे, ले सकते हैं, तो ये ठीक है। और फिर क्या होता है, मान लीजिए आप, आपके पास 4 बच्चे हैं, चार टुकड़ा करके आप उनको बांट दिए, लेकिन एक बच्चा और आ जाता है या दो बच्चे और आ जाते हैं तो एक फिर वस्तु लेना पड़ता है और वो वस्तु को लेना पड़ता है। तो इस तरह होता है, देखिए जैसे ये 4 पूरा ले लिए थे और नया बच्चा आया तो उसके लिए फिर उसका 4 पार्ट करके 1 पार्ट लिए, तो इसको लिखेंगे 5/4। इसी तरह आगे बढ़ते जाता है, 6/4, 7/4, या तो इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे एक एक पूरा लिए और इसका 1/4 लिए, 4 लिए। तो जिसमें अंश क्या होता है, हर से
छोटा होता है जिसको आसानी से बांटा जा सकता है उसको हम कम दिन कहते हैं, और जिसको हम बांट नहीं पाते ठीक से क्योंकि नीचे में चार है और ऊपर में पांच है तो बांटना मुश्किल है, क्योंकि चार टुकड़ा में से पांच टुकड़ा, तो हमें नया वस्तु लेना पड़ता है, जहां भी नया वस्तु हमें लेना पड़ता है उसको हम कहते हैं क्या चीज, विषम बिन, और इसे हम क्या कहते हैं, मिश्र बिन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा एक वस्तु एक भिन्न और बचा है उसको भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। किन्हीं का भी कोई सवाल हो तो सर से सवाल पूछें, कृपया झिझके नहीं और कुछ भी सवाल पूछें, क्योंकि भिन्न बहुत बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है भिन्न, और कई बच्चे भिन्न को नहीं समझ पाते हैं। कात्यायनी जी एक सवाल करना चाहते हैं, कृपया डॉक्टर कात्यायनी जी प्लीज। जी नमस्कार सर, मैं काफी प्रणाम सर। विलंब से जुड़ा हूँ, लेकिन अभी जो आपने रिकैप किया, प्रणाम प्रणाम, इसमें थोड़ा दो तीन चीजें मुझे, मैंने मुझे भी जानकारी लेनी है और लोगों को भी मिल जाए तो अच्छी होगी। कि सबसे पहली चीज कि भिन्न आखिर है क्या, दूसरी चीज कि भिन्न में एक अंश और हर का भी मामला आता है, जैसे 3/4 जो आपने लिखा है या 1/3 जो लिखा है, तो अंश और हर का भी मामला आता है, और तीसरी चीज कि वो जो तीसरा एग्जाम्पल आपका था कि हमने एक वस्तु और ले ली, तो जो दूसरी या तीसरी जो वस्तु लेनी है, समान ही वस्तु लेनी है कि कोई और भी वस्तु हम ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपका तीनों सवाल का सर जवाब देता हूँ। हालांकि मैंने इसको जब शुरू किया था मुझे तो जवाब नहीं, मुझे थोड़ा इसे मैंने अगर थोड़ा और क्लियरिटी आ जाती नहीं, तो बिल्कुल 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 सर, तो चलिए मैं एक बार, क्योंकि हमारा आगे कोई विशेष उतना खास मुद्दा भी नहीं है, तो इसी को एक बार और रिविजन कर लेते हैं अगर चाहे तो। जी 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 ठीक है, तो जैसा शुरू से मैं एक बार बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये रिवीजन किया था इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको समझाया था। जैसे एक रोटी है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं, क्योंकि एक लिखना आता है, और क्योंकि एक पूरा लिया गया है, इस पर इसमें कोई टुकड़ा नहीं किया गया है, एक वस्तु लिया गया है, तो वह एक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो एक इसको प्रदर्शित कर दिए। अब मान लीजिए दो बच्चे हैं, दो बच्चों को ये रोटी को बांटना है, बराबर बराबर बांटना है, ठीक है, तो इसको हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, अब ये देखा जाए, सभी जानते हैं कि ये इस रोटी का कितना हिस्सा हो गया, अगर इतना पूछा जाए तो, इतना पूछा जाए तो कितना हिस्सा हो गया, आधा हिस्सा हो गया, तो क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, आधा। ठीक है, लेकिन गणित में हमें संख्याओं को प्रदर्शित करना होता है, ये एक है तो एक लिख दिए, ठीक है, लेकिन ये आधा है तो इसको कैसे लिखें, तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, टुकड़ों की जो संख्या होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे, ठीक है, प्रत्येक टुकड़ों की संख्या, उसमें से जितना हिस्सा लिया गया, मान लीजिए एक लिया गया, तो एक को क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और ये जो लाइन है इसको कहते हैं बटे, बटे का मतलब होता है बराबर, ठीक है, बटे का मतलब होता है बराबर, ऊपर को कहते हैं अंश और नीचे को कहते हैं हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक हर का मतलब होता है प्रत्येक टुकड़ों में से, जितना भी टुकड़ा है, अगर दो टुकड़ा है तो दो, चार टुकड़ा रहेगा तो चार, छह टुकड़ा है तो छह, छह बराबर टुकड़ों में से, और जितना हिस्सा लिया गया मतलब उसका अंश, उसका कितना अंश लिया गया, कितना भाग लिया गया, उसको हम कहाँ लिख देते हैं, ऊपर, तो इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं अंश बटे हर से 1/2, तो ऐसी संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल दिया गया था लेकिन अभी मैं इतना ही फिर से बताऊंगा, रिपीट कर रहा हूँ, तो इतना ही बताऊंगा कि ऐसी संख्या जो अंश बटे क्या लिखा जाता है, हर के रूप में लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। सर इसके बाद दूसरा सवाल था आपका, थोड़ा एक बार रिपीट कर देंगे क्या? दूसरा सवाल था कि वो जो तीसरा एग्जाम्पल जो आपका था कि हम एक वस्तु और लेंगे, तो वो जो एक वस्तु और लेने की बात जो हो रही है, तो वो कोई और भी वस्तु ले सकते हैं कि जो वस्तु लिया है वही लेना होगा? जी बिल्कुल,
तो जैसा सर का सवाल है कि हम जैसे वस्तु लेते हैं तो अगला जो वस्तु लेंगे क्या वो अलग वस्तु लेना है या वही वस्तु लेना है। तो मैं इसका बस इतना सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप ये एक सेब है, मान लीजिए ये एक सेब है, आपके पास चार बच्चे हैं, तो आपने इसे चार भाग में बराबर भाग में बांटा, काटा और बच्चों को बांट दिया। अब अगला एक बच्चा और आ गया, अब उसको भी सेब ही देना है, क्योंकि वस्तु आप जो बच्चों को पहले बांटते हैं वही वस्तु आप दूसरे बच्चे को देंगे। इसमें एक ही वस्तु को लेना, अगर वस्तु बदलना नहीं, अगर आप सेब लिए हैं तो आपको सेब ही लेना होगा, आप रोटी लिए हैं तो आपको रोटी ही लेना होगा। तो हम दूसरा सेब लेते हैं, क्योंकि इनको 1/4, 1/4, 1/4 सभी को मिला है, तो इसको अगर हम आधा दे दें या पूरा सेब दे दें तो सब जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इसका भी हम चार बराबर भाग करेंगे और उसमें से कितना भाग लेंगे, एक भाग लेंगे, क्योंकि ये स्पष्ट है। देखिए 1/4 है, अगर पूरा लिया इतना लिया जाए तो 2/4, अगर इतना लिया जाए तो 3/4, और पूरा लिया जाए तो 4/4 होता है। उसके बाद हम लें एक तो क्या हो जाएगा, ये 5/4, आगे लें तो क्या हो जाएगा, 6/4, आगे लें तो 7/4, 8/4, 9/4, इसी तरह आगे बढ़ता जाता है और लिखते जाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हिस्सा ले लीजिए, ये एक सेब है, एक सेब को अगर हम चार भाग में काटे और चारों भाग खा गए तो हम कितना सेब खाए, एक सेब खाए, चार टुकड़ा खाए, लेकिन सेब की संख्या कितनी है, एक, ठीक है। तो एक पूरा सेब आ गया, लेकिन इस सेब में अगर देखें तो कितना आया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि टुकड़ों के साथ चार है, उसमें से कितना लिए, एक, 1/4। तो एक पूरा, इसको बोलते भी हैं एक सही, 1/4, एक सही मतलब एक पूरा, एक पूरा, और दूसरे सेब का या दूसरे भी वस्तु का 1/4 हिस्सा लिया गया। तो इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न और इसको बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न और मिश्र भिन्न एक ही होता है, सम भिन्न जो होता है वो अलग होता है। इसके बाद एक चीज ये था कि एक क्या है, एक सम भिन्न है या विषम भिन्न है। तो बिल्कुल, जिसको हम विषम भिन्न के रूप में लिखते हैं, जिसको भी हम विषम भिन्न के रूप में लिख सकें उसको हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न, मतलब ऐसे भिन्न जिसको हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसको हम विषम भिन्न कहते हैं। तो एक क्या है, ये सवाल भी पूछा था और आप लोगों का जवाब भी आया था। तो एक क्या है, मान लीजिए ये एक है, ये पूरा चार हिस्सा किए और चारों हिस्सा का क्या किया हम, ले लिए, ये एक लिए, ठीक है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि उस क्लास में मान लीजिए 5 बच्चे हैं और चार बच्चे उपस्थित हैं और आपको सेब बांटना है, तो आप चार टुकड़ा करके बच्चों को एक एक टुकड़ा सेब दे दिए, लेकिन आप जान रहे हैं कि अगला बच्चा भी स्कूल आएगा, वो बच्चा भी रोज आता है स्कूल, तो एक सेब हम पहले से तैयार रखे हैं, उसका कितना टुकड़ा करके, चार टुकड़ा करके उसका हम पहले से तैयार रखें, ठीक है, लेकिन लिए नहीं, क्योंकि जब वो आएगा तभी लेंगे। लेकिन पता चलता है कि वो बच्चा स्कूल उस दिन नहीं आया, इसको हम लिख के रेडी हैं कि एक बांट चुके हैं और इसका कितना टुकड़ा करके रखे हुए हैं, चार टुकड़ा कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें से हम नहीं ले रहे क्योंकि बच्चा आया नहीं, तो हम नहीं लिए। और गणित में कुछ भी अगर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, मतलब एक पूरा लिए और दूसरा चार टुकड़े तो किए, लेकिन उसमें से एक भी हिस्सा हमने को हम लोगों ने नहीं लिया, तो एक सही 0/4। तो देख रहे हैं कि एक को भी हम किसमें लिख सकते हैं, विषम भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए एक को भी हम क्या बना लिए हैं, विषम भिन्न के रूप में मान लिए हैं। और परिभाषा क्या बनाए हैं, ऐसा ऐसी संख्या, ऐसी भिन्न जिसका मान एक से क्या हो, कम हो, उसको हम समभिन्न कहते हैं, या तो ये कहें कि ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, समभिन्न कहते हैं, और ऐसा भिन्न जिसका मान एक के बराबर हो या एक से अधिक हो उसको हम क्या कहते हैं, विषम कहते हैं, ठीक है सर, क्लियर है। तो हाँ हाँ वस्तु ठीक की संख्या, वस्तु एक ही होता है सर, जी जी वही 3 प्रश्न में, वस्तु नहीं बदलना है। 3 प्रश्न में वो 2 प्रश्न तो पहले ही आप बता दिया कि भिन्न क्या है और दूसरा जो वस्तु का मामला था। जी धन्यवाद। जी, और एक सवाल सर सब भूल गए इसको। नहीं, 3 ही सवाल था, 3 सवाल। अच्छा पहला अच्छा सवाल था भिन्न क्या है,
दूसरा था अंश और हर आता है, और तीसरा था जी, ये वाला। तो पहला दूसरा सवाल आपने पहले ही बता दिया, और लास्ट तो दो ही सवाल हो गए। जी, ठीक ठीक थैंक यू, वेलकम सर। एक एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसको बता देता हूँ, अभी समय है हमारे पास, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। फिर उसके बाद आपके मन में अगर कोई भी सवाल होगा तो बिल्कुल भिन्न से रिलेटेड जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, और बच्चों के लिए है इसलिए उनको इसी तरह आसानी से सिखाएंगे तो आसानी से बच्चे सीख भी जाएंगे। मान लीजिए एक रोटी है, ठीक है, ये ऐसा, इसको दो भाग में बांट रहे हैं। अब बच्चे को आप बता दिए कि अंश और हर क्या होता है और भिन्न क्या होता है, बच्चा अब जान चुका है। इसको अगर लिखने को कहा जाए, इस तरह का और भी गतिविधि बच्चों को दे सकते हैं, ऐसा बुक में भी होता है, ये चित्र दे दिया और दो तीन चार पांच चित्र दे दिया और बच्चों को उसको भिन्न के रूप में लिखने बोलिए तो बच्चा उसको आसानी से लिख लेता है, 1/4, 2/4, इस तरह बच्चे उसको आसानी से लिख लेते हैं कि वो कितना भिन्न है। या तो इसके अलावा और भी गतिविधि दे सकते हैं, बच्चों को ग्रुप में बैठा दीजिए और सभी को बोलिए कि 1/4 का आकृति बना के दिखाओ, आप भिन्न बताइए वो आकृति बनाएंगे, आप आकृति बनाइए वो भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह के कई गतिविधि बच्चों को आप दे सकते हैं। अब इसे जैसे बच्चों से पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चे बता देंगे ये क्या है, 1/2 है, क्योंकि किसी भी चीज का हम क्या किए, दो टुकड़ों में बांटे, उसमें से हम क्या किए, एक हिस्सा ले लिए। अब उसी चीज का हम क्या कर रहे हैं, 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं, ठीक है। और उसमें से कितना हिस्सा ले रहे हैं, 2। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, टुकड़ों की संख्या 4 है, उसमें से कितना लिए, 2, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये एक रोटी था, इसको हम 2 टुकड़ों में बांटे, ऐसे 2 टुकड़ों में बांट दिए, ये 2 टुकड़ों में बांट दिए, फिर इसके बाद का जो दिख रहा है वो 4 टुकड़ा में है, ये है 4 टुकड़ा, ठीक है, ये है 4 टुकड़ा। एक बच्चे को देते हैं, एक बच्चे को ये जो 2 टुकड़ा किए हैं, देखिए 2 टुकड़ा किया गया है, इसमें से एक बच्चे को ये वाला टुकड़ा दे दिए, किसी बच्चे को ये टुकड़ा दे दिया गया, ठीक है, और किसी बच्चे को क्या दिया गया, उसी चीज का 4 टुकड़ा करके कितना टुकड़ा दिया गया, 2 टुकड़ा गया, ये 2/4 है, ये दिया गया। अब बच्चों से ये पूछिए कि किसको बड़ा हिस्सा मिला, तो आप में से बता सकते हैं, कोई भी बताएं, ये ए है मान लीजिए और ये बी है, ठीक है, आप बताएं कि एक को ज्यादा हिस्सा मिला या 2 को ज्यादा मिला, बी को ज्यादा मिला, किसको ज्यादा मिल रहा है, कम ज्यादा बच्चे जानते हैं कि मुझे कम मिला या ज्यादा मिला। इसमें से मान लीजिए ये रोटी है, तो उसको एक बच्चे को आधा करके दिए, आधा रोटी पूरा दे दिए, दूसरे बच्चे को क्या किए हैं, 4 टुकड़ा करके 2 टुकड़ा दिए, तो अब बताइए ए जो बच्चा ए है उससे ज्यादा हिस्सा मिला या बी है उससे ज्यादा हिस्सा मिला, कोई भी जवाब दे दे, मेरा सवाल शायद समझ में ना आया हो, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि एक रोटी है उसका हम 2 बराबर भाग में बांटे, 1/2, ठीक है, और उसमें से 1 टुकड़ा बच्चे को दे दिए, और दूसरा रोटी है उसको हम 4 बराबर भाग में बांटे, उसमें से 2/4 लिए और बच्चे को दे दिए, दूसरे बच्चे को दे दिए। अब एक बच्चा ए है और दूसरा बच्चा बी है, अब मेरा सवाल ये है कि दोनों बच्चों में से किसको ज्यादा मिला, अगर वो रोटी खाएगा तो कौन ज्यादा रोटी खाएगा, ए ज्यादा खाएगा या बी ज्यादा खाएगा, कोई भी बताए। अगर सात्विक सवाल में ले लें कि राम और रमेश दो बच्चे हैं जी,
दोनों में से राम को मैंने एक रोटी में से आधा भाग दे दिया और श्याम को दूसरे रोटी में से दो टुकड़े दे दिए। तो जैसे तो ये पहला राम है, दूसरा श्याम है। जैसे पहला बच्चा राम है, उसको हम क्या किए, एक रोटी का दो भाग किए, उसमें से एक हिस्सा, आधा हिस्सा उसको एक बटे दो हिस्सा दे दिए। दूसरा बच्चा श्याम है, उसके लिए उसी रोटी को हम क्या किए, चार टुकड़ा किए और दो हिस्सा दे दिए। ठीक है, अब इसमें से ये बताइए, आप चित्र देख कर भी बता सकते हैं कि किस बच्चे को ज्यादा रोटी मिला, कौन बच्चा ज्यादा रोटी की संख्या खा रहा है, या संख्या नहीं पूछे, हिस्सा हिस्सा पूछे कि कौन बच्चा ज्यादा हिस्सा खा रहा है। ज्ञानदूत साथी, कोई भी आप लोग में से उत्तर दे सकते हैं, कृपया कोई आगे आकर उत्तर दें। चलिए ठीक है, एक एक और बना देता है। अब तीसरा बच्चा भी आ गया, अब एक बच्चे के अब आठ बच्चे आ गए हैं, आठ टुकड़ा किए हैं उस रोटी के और उसमें से चार हिस्सा एक बच्चे को दे दिए। तो आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे ये आप लोगों को दिखाया जाता है, जैसे ये एक बटे दो है, ठीक है, एक बच्चे को इतना हिस्सा दिया गया था और ये क्या है, एक बटे चार है, एक बच्चे को इतना दिया गया था, उसी चीज का टुकड़ा है ये। जैसे ये एक था ना, तो इसी का क्या है, ये आधा है और उसी का क्या है ये। तो आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को कि ये क्या है, एकदम बराबर। मतलब किसी भी रोटी का या किसी वस्तु का, अगर वस्तु एक ही है, उसका दो बराबर टुकड़ा किया जाए और एक हिस्सा लिया जाए, उसका चार बराबर टुकड़ा किया जाए और दो लिया जाए, उसका आठ बराबर बराबर टुकड़ा किया जाए और चार लिया जाए, तो सब में आप ये देख रहे हैं कि सब में हम कितना रोटी खा रहे हैं, आधा रोटी सब में हम क्या कर रहे हैं, आधा आधा रोटी हमें मिल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस भिन्न को हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न। इसको हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न, क्योंकि ये सब बराबर है, हिस्सा दिख रहा है, ये भी इतना है, ये भी आधा है और ये भी क्या है, आधा। उसका नाम एक बटे दो हो सकता है, दो बटे चार हो सकता है, चार बटे आठ हो सकता है, ये तीनों भिन्न क्या है। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो एक बटे दो, दो बटे चार, चार बटे आठ, ये सब क्या है, बराबर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न। इसमें से किसी बच्चे को ज्यादा नहीं मिल रहा है, सभी बच्चे को क्या मिल रहा है, बराबर रोटी की संख्या मिल रही है। तो आज का जो हमारा मीटर था लगभग वो समाप्त हो चुका है, और ज्यादा लेंगे तो वो फिर समझ में भी नहीं आता और कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है और कुछ ज्यादा हो जाता है। तो इतना जितना भी आप लोगों को बताया गया, भिन्न से संबंधित कोई भी सवाल हो या तो आकृति से संबंधित कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। नीलिमा जी, आपका कोई सवाल और कुछ समझ नहीं, में नहीं आया होगा नहीं, तो नहीं। बता दें। ओके, नहीं स्पष्ट है मैडम जी, सर ठीक है। दिव्या दिव्या मैडम, आपका कोई सवाल? ओके, हेलेना जी, कोई सवाल आपका? काजल जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे इसमें? तो
लगता है सर कि सभी को स्पष्ट हुआ है या कुछ कंफ्यूजन है, तो ये क्या है कि आप सवाल कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हैं, आप सर से भी सवाल पूछ सकते हैं आपके जो सवाल होंगे, और बिल्कुल हम आपके बीच के ही हैं, आप जो भी सवाल पूछेंगे मुझे अच्छा भी लगेगा कि आपको हाँ इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ था या तो ये समझ में आ गया, आप बिल्कुल कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, और नहीं मतलब सब क्लियर हो गया तब भी आप बता सकते हैं, और कहीं कंफ्यूजन हुआ तो बिल्कुल आप बताइए, क्योंकि हम लोग आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, और हो सकता है कि अभी ये पढ़ा ना रहा, लेकिन जब आप फील्ड में काम करेंगे तो हो सकता है कि उस समय भी दिक्कतें हों, तो उस समय भी आप हम लोग से पूछ सकते हैं, बिल्कुल एक एक दिन और रखा जाएगा और उसमें आपको ये क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि आज के जो दोनों विषय थे हमारे, पहला विषय था आकृति और दूसरा भिन्न, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं बच्चों को समझाने के लिए। आकृति के विषय में आपने जो बताया कि बच्चे को एक कागज दें, उससे विभिन्न तरह की आकृति स्वतः बनवाएं, या उसे कागज काटने को कहें, कागज मोड़ने को कहें, तो ऐसा प्रयास करने से बच्चे के दिमाग में वह आकृति बैठ जाती है। उसके बाद उस आकृति की कुछ विशेषताएं उसको बताएं, जैसे कि वृत्त बिल्कुल गोल होता है, उसके केंद्र से सब बिंदु की दूरी समान होती है, उसी प्रकार आयत जब हम लेते हैं तो उसमें सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से और उसके साथ हर आकृति के साथ बच्चों को कम से कम दो चार उदाहरण स्वयं जोड़ने को सिखाएं कि बच्चों ये बताइए कि वृत्ताकार आपने कौन कौन सी आकृति आपके आसपास दिखाई देती है। तो बच्चे जब ये प्रयास मानसिक रूप से करेंगे तो उनका जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो समझ है उस आकृति को लेकर वह पूर्ण होती चली जाएगी। उसी प्रकार भिन्न पर जब हम आते हैं तो भिन्न को लेकर बहुत सारे लोगों का जो फंडामेंटल है, बेस है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है क्योंकि समय पर उन्हें भिन्न कोई अच्छे से समझाता नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे ज्ञानदूत इतने अच्छे से अपने जिन बच्चों के पाठ्यक्रम में भिन्न आ चुका होगा उन्हें इतनी ईमानदारी और इतनी सरलता से सिखाएंगे कि सारे बच्चे हमारे भिन्न में पारंगत होंगे। तो भिन्न में पारंगत होने के लिए क्या, भिन्न क्या है? तो भाई हिस्सा है, टुकड़ा है, हिस्सा है, हिस्सों का जोड़ है। एक पूरा लिया, उसके दो टुकड़े किए, उसको कैसे लिखा? तो भाई आधा तो नहीं लिख सकते, तो सर ने बोला उसको अंक में लिखना होगा। तो भाई टुकड़े कितने किए? तो दो किए, उसमें से कितना लिया? तो एक टुकड़ा लिया, तो दो नीचे लिखा, उसके ऊपर एक लिख दिया, तो 1/2 हो गया। तो यही भिन्न का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद भिन्न में आप बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं, जोड़ है, घटाव है, इत्यादि है, सम भिन्न है, विषम भिन्न है, ये सारे चीजों को आप गहराई से जब समझेंगे। और बच्चों के अंदर आप खेल खेल में गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए चार बच्चे हैं, चार बच्चियां आपके पास पढ़ने आती हैं, तो आपने कहा कि भाई 1/2 इस चार बच्चियों का क्या होगा? तो भाई दो दो बच्चियां अगर दोनों ओर चली गई तो 1/2, 1/2, दो हिस्से हो गए पूरे ग्रुप के, तो हिस्से कितने हुए? दो। और उसमें से हमने एक हिस्से को अगर लिया तो 1/2 लिखेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों से आप जोड़कर सिखा सकते हैं। तो जब संबंध बनाकर बच्चों को सिखाएंगे, चीजों से संबंध बनाकर, विषयों के जो अवधारणाएं हैं उनसे संबंध बनाकर, बच्चे बहुत तेजी से सीखेंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, और आपको अपनी संतुष्टि और अपनी उपलब्धि बहुत ऊंची लगेगी। थोड़ा सा कष्ट ये होता है कि हम उतने सवाल नहीं करते हैं, हमें भी कुछ सवाल करने चाहिए खुल के। अभी भी मंच खुला है, 1-2 मिनट, 3 मिनट हम लोग हैं यहाँ पर, कुछ अगर प्रश्न हो किन्हीं का तो पूछिए। आलोक पांडे सर हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, जिनको भी कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं भिन्न के बारे में, कहीं भी ऐसा लगा हो कि आपको समझ में नहीं आया तो आप क्लियर कर लीजिए उसको। और गतिविधि जो है, जैसा सर अभी बोल रहे थे, देवाशीष सर बोल रहे थे कि खेल खेल के माध्यम से बहुत, मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे हमारा अगला भी विषय होगा उसमें कुछ कुछ बातें हैं जो खेल के माध्यम से बच्चों को गतिविधि कराएं तो बच्चे आसानी से सीखते हैं, मापन हो।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, और आप जिस तरह से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तो हम लगता है गणित जैसे जटिल विषय को भी हम सरल बनाकर अपनी बच्चियों तक, ज्ञानशाला की बच्चियों तक पहुंचाएंगे, और हमारे ज्ञानदूत निश्चय ही इसका अच्छा लाभ ले रहे होंगे। प्रश्न अभी नहीं उठ रहे हैं जिसका थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन आने वाले समय में हम समझते हैं कि प्रश्न भी उठेंगे और हम बहुत गंभीरता से इस प्रशिक्षण को आगे ले जाएंगे। कल पुनः इसी समय 2 बजे हम वापस सर के साथ जुड़ेंगे और सर एक दो और विषयों पर, गणित के विषयों पर ऐसे ही सरलता से हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। और इसी के साथ मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ज्ञानशाला की ओर से, और सभी ज्ञानदूतों का धन्यवाद, और आशा है आपने इससे अच्छा अनुभव प्राप्त किया होगा। अपने अनुभव आप ग्रुप में लिख सकते हैं, आपको प्रशिक्षण कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर, कात्यायनी सर, स्नेहा मैडम और बाकी हमारे ज्ञानदूत साथी, अंकिता मैडम आपका भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।